हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवस्वीकृत कृषि विज्ञान केंद्र बामनवाड़ा जालौर आज से शुरू। रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल के मुख्य अतिथि में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ संपन्न। कृषि में नए हो रहे नवाचारों एवं अनुसंधानों को किसानों के खातों पर पहुंचने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जालौर जिले में कृषि की नवीन तकनीकों की गति देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मार्फत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना बामनवाड़ा जालौर में की गई है। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माननीय कुलपति डॉक्टर बी आर चौधरी ने कहा कि नवीन अनुसंधानों को किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में जालौर जिले में दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र ने आज से कार्य शुरू कर दिया है, जिससे जल्द ही यहां के किसानों के लिए कृषि में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानीवाड़ा विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का मतलब इस युग में कृषि में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। निसंदेह नवीन तकनीकों से अभी तक अछूते रहे इस सीमावर्ती जिले के किसान नवीन तकनीकों का प्रयोग करके अच्छा मुनाफा कमाएं एवं उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होगी। इस अवसर पर नए कृषि विज्ञान केंद्र खुलने पर सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में बोलते हुए अटारी जोन द्वितीय जोधपुर के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह ने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नए अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में जालौर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र पहले से कार्यरत है। जालौर जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र जालौर जिले के बामनवाड़ा में स्वीकृत हुआ है। इस दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र के खुलने से नवीन कृषि तकनीकी हस्तांतरण में अहम योगदान होगा, जिससे किसानों की नवीन तकनीकी तक पहुंच जल्दी एवं प्रभावी तरीके से होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों की आय में इजाफा होगा। कार्यक्रम के बोलते हुए निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन एवं कोरोना वायरस के संबंध में सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन सत्र को बहुत सीमित रखते हुए नए कृषि विज्ञान केंद्र ने आज से कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 8 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करते हुए किसानों की सेवा में हर समय तत्पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होते ही इस नए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन एवं किसान घर के निर्माण का कार्य तथा अन्य विकास कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा तथा केंद्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के भू संपदा अधिकारी JS कछवाहा ने बताया, नए कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा। RB सिंह उप निदेशक कृषि विस्तार जालौर ने बताया कि कृषि में हो रहे नए अनुसंधानों में नए कृषि विज्ञान केंद्र की भूमि अहम होगी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में जालौर जिले में 9 तहसील है, जिसमें से रानीवाड़ा सांचौर जसवंतपुरा चितलवाना एवं भीनमाल तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए ये केंद्र कार्य करेगा। इस अवसर पर ठा योगेंद्र सिंह सरपंच बामनवाड़ा COC राम प्रधानाचार्य लक्माराम चौधरी स्कूल अध्यापिका संतोष देवी कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी के कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी की बड़गांव से विक्रम लखारा की रिपोर्ट।